दिल्ली में खेला जाएगा वो है गुजरात लायंस और आप सनराइजर्स हैदराबाद। सुरेश शुरुआत तो आपसे करता हूँ, प्रेशर हर खिलाड़ी पर था, हर कप्तान पर था, आपने इसको हैंडल बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये दबाव अलग से है एलिमिनेटर, एक गलत कदम खेल की बाहर हो सकती है। आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो दो मैच है दोनों जीते, जिससे टॉप में आने का बहुत फायदा होता है। बैंगलोर में ऑलमोस्ट हम जीत गए थे, बट ट्रेन गोज टू एक विलेज में अच्छे से बैटिंग किया और उसके बाद जब दो चांस मिलते हैं तो अभी दिल्ली में हमें दो चांस मिलेंगे, यहाँ पर जीतेंगे तो सीधा बैंगलोर में उनको दोबारा हम लोग हरा सकते हैं, बट काफ़ी टफ जगेगा और ट्रेन गोज टू ऑल द प्लेयर्स, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और ऑनर प्लस कोचेज और वसीम भाई बैठे हैं, उनको पता होगा कितना मेहनत करते हैं डगआउट में सारे प्लेयर्स के साथ। ऐसा नहीं होता है कि बैक टू बैक ट्रैवल होता है, प्रैक्टिस सेशन करना पड़ता है प्लेयरों को फ्रेश रखना, तो स्पोर्ट्स स्टाफ योगदान रहा है। और लाइक यू मेंशन अबाउट प्रेशर गेम, उसमें आपको दो डाई सिचुएशन होती है, यू नीड टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम। आप जब बड़े मैचेस खेलते हो तो उसमें आपका कामनेस बढ़ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड आपका चलने लगता है, आपको पता है कि आप रूम में बैठो लेकिन ऐसा लगता है कि आप मैच खेल रहे हो ग्राउंड में, तो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है मैच 24 आवर्स से पहले। तो मुझे लगता है कि इतने सारे फाइनल खेलने के, इंडिया का हो चाहे वो IPL के फाइनल्स हो, तो आपको पता है कि आपको मैच में क्या करना है, ओके हम अच्छा करेंगे। वो प्रेशर है, प्रेशर नहीं बोलूँगा, एक एक्साइटमेंट है और एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट में कभी कभी चीज़ ऐसी होती है कि बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन उस एक्साइटमेंट में और चैंपियन बनने के बीच में एक शब्द है, मैं उसको बोलूँगा कामनेस। कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं जो टीम के लिए आपको लेने पड़ते हैं, वो हार्ड भी होते हैं, बट जो टीम के लिए करना पड़ता है वो बीच में अगर मैं 11 प्लेयर अगर साथ भी काम रहे, चाहे बैटिंग या बॉलिंग, तो मैच जीत जाएंगे। काम हो नहीं सकते जिस तरह से खासों से आते बैंगलोर के खिलाफ उस पर डरा था, दबंगा टीम आपकी हार गई, लेकिन उस टाइम में बाकी जो अब आपका हैदराबाद के खिलाफ मैच है सबको ये बता दिया होगा कि धवन कुलकर्णी जो है वो बहुत बड़े थ्रेट है। ऐसे तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो स्पेल ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया और ये पूरे IPL में मैंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उससे मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गए और उसी को मैं मेंटेन करना चाहूँगा। हैदराबाद बड़ा मुश्किल है ऐसे बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में, बिग गेम में किसी को फेवर देना इस फॉर्मेट में, मगर जो मुझे लग रहा है कि उनकी बॉलिंग वर्सेस गुजरात बैटिंग, बिकॉज उनके पास फास्ट बॉलर उन्होंने कल इस तरह खिलाया और आई सपोज पूरा होमवर्क किया होगा, आजकल काफ़ी होमवर्क होता है, जैसे सपोर्ट स्टाफ का सुरेश ने जिक्र किया कि कितना होमवर्क होता है, और आप इन क्रिकेटर से हम पिछले 50-60 दिन से खेल रहे हैं, दो तीन दो मैच ऑलरेडी खेल चुके थे, तो पता होता है कि कहाँ पे क्या बोलिंग करनी है, कहाँ पे किसको क्या करना है, उनकी बोलिंग क्या है, तो ऑब्वियसली आज प्रैक्टिस में जाएंगे, कल ये बैठेंगे, सारा प्लान करेंगे। और जनरली विकेट जो कल हम खेले जो हारे हम सनराइजर्स से, अच्छी T20 की विकेट थी, आधे घंटे 163 चेज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बिग मैच प्रेशर, इसलिए यही मजा है बड़े मैचों का, पता है कि जीत कुछ बताना, आज तक सोची थी गलती हुई तो हम टूर्नामेंट से बाहर है, मगर मुबारकबाद दूंगा कप्तान को, सुरेश रायना को और ओनर को, पूरी टीम को, शायद जिस तरीके से उन्होंने कल के IPL में आया, नई टीम, नया कप्तान, नया कम्बिनेशन, उसके बावजूद कन्विंसिंगली खेल रही है, लेकिन क्लोज मैच जीते कन्विंसिंगली जीते हैं, मुझे डर होता है कि लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैटिंग क्लास और सारे लड़के आपस में खुश हैं और एक दूसरे की कंपनी और सक्सेस दोनों को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे आपकी तारीफ होगी क्योंकि फर्स्ट फाइट आपके पास था, फर्स्ट फाइट पूरे के पास था, और धोनी को उसके बाद लगा कि ऑप्शन है तो टीम चुनने में आप हर कदम आगे रहे, शायद जब कप्तान चाहते थे वो टीम उसको बिठ गए, तो उसके बाद जिस तरह से टीम की गया तो सोचा था कि आज आप यहाँ बैठे रहेंगे और बात फाइनल की और जीते क्यों रहेंगे। अच्छा ऑप्शन दो ऑप्शन हुए थे, पहले प्लेयर ड्राफ्ट ऑप्शन थे, इसमें 5 प्लेयर्स जो होते थे, उसके अंदर हम काफ़ी सोचा हुआ था हमने कि हमारी कोर टीम होगी जो सारे मैच करेंगी, आई थिंक थॉट हमेशा पूरा टाइम ये था कि एक कॉम्बिनेशन बिल्ड करना है और तो क्रेडिट्स दूंगा कप्तान को और कोच को, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने बड़े आई थिंक अब तो हम बोल सकते हैं बड़े स्मार्टली हमने ऑप्शन में फिक्स किए थे, हमने काफ़ी प्लेयर थे, हमें ये बॉलर्स चाहिए, ये बैट्समैन चाहिए, इस प्रायोरिटी में खेलेंगे, इस ऑर्डर में खेलेंगे, आई थिंक अगर वो क्लैरिटी हो साथ में एज ए ओनर आपने कहा होना चाहिए कि आपको कितना पर्स रहा चाहिए, वो आई थिंक हमने काफ़ी ओपन भी सबसे डिस्कस किया था और सब लोगों ने सहयोग किया और सारे प्लेयर्स इस टाइम पर एक चीज़ जो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस दी थी कि हमें यंगस्टर्स को काफ़ी चांस देना है, इस बार अगर आप देखेंगे तो हमारे काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं इंडिया से और उनको चांस लगाया, आई थिंक वो थॉट था हमारे दिमाग में, एंड कप्तान और बैटर्स ने काफ़ी
जब भी हमने प्लेयर में ऑप्शन पे चार्जिंग भाई को हमारे काम करी है ऑब्वियसली एवरी ओवर वांट्स सारे लोग चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे लेकिन अल्टीमेटली कौन सी टीम साथ में रहती है आईपीएल में फॉर्मेट की बीच में आपको दिखाया जाता है कि ट्रैवलिंग होती है इतनी थकान होती है तो प्लेयर्स को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है फैमिली यूनिटी रखनी पड़ती है तो आई थिंक वो सब लोगों ने कही है और सब लोगों ने कैप्टन दिखाया जो हम बात कर रहे थे तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट था एंड दैट्स व्हाई है ये बोलूंगा कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि हम लोग का मैच जीतेगा और दूसरा ऐसा लगे कि हमें ऊपर वाले जब किसी चीज़ को बड़ा इनाम मिलता है तो वो थोड़ा हार्ड वर्क करा था बैंगलोर से हम दिल्ली गए दिल्ली में खेले और पूछा ऊपर वाले की दोबारा जी तो हम दिल्ली के बाद बैंगलोर जाएंगे तो मेरी किस्मत में बोलो या फिर प्लेयर की एक डेस्टिनी बोलो कि जब आप कुछ बड़ी चीज़ हासिल करते हैं तो उसके लिए ऊपर वाला आपकी परीक्षा जरूर देता है तो हमें दो फ्लाइट बड़ी मिली और एक मैच मिलेगा अभी कल उसकी जो सहनशीलता होती है उसमें आपको परिपक्व रहना होता है अगर आप वहाँ से वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े मैच में कुछ ऐसी परेशानी होगी आपको पता है कि मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ अपनी टीम मेट्स के लिए खेल रहा हूँ अपने ओनर के लिए खेल रहा हूँ क्योंकि ये आईपीएल है तो आप ओनर को बोल सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इन्जॉय करना चाहिए जितना ज़्यादा इन्जॉय करोगे उतना रास्ता आसान है तीसरा में हम सब हो गया उसको बट मुझे इन्जॉय करना स्किल्स पे बिलीव करो ऑपोजिशन पे थोड़ा गौरव जरूर करो काम ना करना उनकी कैसी है बिलीव इन योर स्किल्स और अपनी स्किल्स से ऑपोजिशन को बिल्ड करने की कोशिश करो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ही सेड एंड दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग आपने कहा कि उनकी बॉलिंग कमाल की बॉलिंग पर बेहतर है और वो आपके खिलाफ जी कैसे को परफेक्ट है जो लीग मैच में आराम से चेज होगा तरीके जो अभी तक दो प्रॉपर मैच हमने देखे हैं उनका मैच था पहला और या आज का मैच था 155 160 की टीम लड़ रही है वो नहीं कि 190 बनाओगे 200 बनाओगे नहीं जी इधर बैंगलोर का मैच इनका था जितना क्लोज गेम था 150 प्लस इन्होंने किया था और वो भी दिया वो तो मैच लगा के बाद हल्की सी बारिश हुई पिच थोड़ी जुड़ गई टर्न होना बंद हो गया बॉल गिरना शुरू हो गया तो वो भी चेस हो गया मगर यही तो प्रॉब्लम है बड़े मैच में कि रन ऑन द बोर्ड ऑलवेज बेटर बट डिपेंड आपकी स्ट्रेंथ पे आपकी क्या थिंकिंग है आप चेस करने में खाली समझते हो आजकल जो भी आईपीएल में ट्रेंड देखे हैं मैंने कि ज्यादा टीमें चेज करने के लिए जाए इस मैच की बात करें धवन के स्पेल की बात करें रन आपके पास इतने ज्यादा नहीं थे जिस तरह विराट गेल इंडिविजुअल फॉर्म में थे आपने क्या कहा अपने गेंदबाजों को क्या कहा अपने खिलाड़ियों को लड़ने के लिए ये फर्स्ट जब 9th पे हम 3 हो गए थे उसके बाद जिस तरह से स्मृति ने टोटल 60 का लेके गए क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे उधर तो विकेट इतना आसान नहीं था चेजिंग के लिए क्योंकि आप देखेंगे लास्ट फ्यू गेम्स जो आसिम ने खेली तो थोड़ा डिफिकल्ट था अनलेस विराट इस आईपीएल में अलग ही बैटिंग करे और ये टॉप क्लास बैट्समैन और ए बी एम का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा था हमारा ये प्लान था कि जैसे धवन बीच में मीटिंग में बात कर रहे थे कि कोशिश ये रही नए बॉल्स हमें अच्छे एयर में बॉलिंग करिए चाहे आप प्रीमियर लीग खेलो या टेस्ट मैच खेलो आपका वही प्रोसेस रहता सेम वही फर्स्ट स्टंप वही लाइन लेंथ वही आपको मिक्स करना है वेरिएशन करना है तो धवन ने वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया जिस तरह से बैक टू बैक मीटिंग मिली विराट उनका इंपॉर्टेंट प्लेयर था विराट आउट हुआ क्रिस गेल आउट हुआ केएल राहुल आउट हुआ उसका जो मोमेंटम बनता गया हमारा बट जैसे वसीम ने बोला जब बारिश पड़ी तो विकेट थोड़ा ईजी हो गया ड्रैगो का जो वेरिएशन था हाँ छोटा ग्राउंड होता है तो 10-12 रन तक आपको ईजी लगता है बट स्टिल आई थिंक बॉलर ने काफ़ी मेहनत किया 160 में भी हमें उम्मीद कराई कि हम जीत सकते बट मैच करना नहीं हो रहा और एक मन में आ रहा था कि थैंक गॉड हम लोग फर्स्ट पे हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी तो दो चार ओवर के बाद ऐसा माइंड में चल रहा था कि पूरी दिल्ली में जो भी टीम मिलेगी हम कोशिश करेंगे आपसे तो सारी चीज़ें विराट कोहली जो जीरो पर आउट कर रहा है इस साल में शायद पहली बार विराट कोहली 50 से नीचे बात नहीं कर रहे विराट कोहली 100 से नीचे बात नहीं कर रहे हर ध्यान जो है उसी तरफ बल्कि हजार रन भी हो सकते हैं आप विराट कोहली मुझे बॉल डाल रहे थे उसमें तेजी से बात की है रिलीज की बात की आपके जहन में मैं विराट के साथ पहले भी खेल चुका हूँ एक ग्रुप क्रिकेट तो तब से मैं खेलते आ रहा हूँ उसके साथ तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कि वो इतना बड़ा बैट्समैन है कुछ मैं सिर्फ अपने स्ट्रेंथ को बैक